और ये हमारी परंपरा का धंधा है ढोल बजाने का। और हमारे गांव में ढोल की बहुत ऐसे ऐसे कला हैं, कुछ सीमा नहीं इसकी। और कला तो बहुत बड़ी होती है। और इसका नाम है मांगीलाल, और इसका नाम है भरत, और इसका नाम है गोविंद, और हमारा नाम है रामेश्वर। ये हमारा खानदानी धंधा है और ढोल हमने सीखा है ऐसे कि हमारे खानदानी का धंधा है। और हमारे दादे और परदादे सभी ढोल बजाते थे और हमने भी उसने सिखाया है। हमारा गुरु है, हमारे दादे हैं, परदादे हैं, वो हमारा गुरु है। ये हम कार्यक्रम करते हैं हमारे होली फाग मौसम में, हम गैर भी बजाते हैं। और गैर में ऐसे ऐसे हैं कि हम 7 दिन तक ढोल बजाते हैं होली के मौसम में। 7 दिन में हम 3 घंटे के लगातार ढोल बजाते हैं। इस ढोल का वजन है कम से कम, तो पहले तो ढोल होता था बड़े वाला तांबे का, और अभी तो छोटे हैं ढोल, और वो भी हमारे गांव में है अभी तक। और इसलिए हम आए हैं यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए। और हमारे गांव में थाली बजती हैं तो लेडीज बजाते हैं और ढोल बजाते हैं जेंट्स, ठीक है। और हम ब्याह शादी वगैरह करते हैं तो भी हम ढोल बजाते हैं। हाँ, हमारे बाल बच्चे हैं वो भी अभी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। छोटे छोटे हैं, उनको भी शौक है ढोल बजाने का, ऐसे शौक है कि हम भी सीखें। अच्छा। और आगे बढ़ें। और वो बच्चे स्कूल में भी जाते हैं? हाँ, स्कूल भी जाते हैं। अच्छा, तो आगे जाके वो क्या कलाकारी बनेंगे या कुछ और बनना चाहते हैं? और तो सर कोई भविष्यवाणी का कोई पता ही नहीं चलता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये है कि हमारा खानदानी धंधा बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है।